टेलीविजन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11। जी हाँ, और उनका अब तीसरा करोड़पति बन चुका है। बिहार के रहने वाले गौतम कुमार झा केबीसी के करोड़पति बन गए। अब वो 7 करोड़ के सवाल पर पहुंच गए हैं। इससे पहले बिहार के ही सनोज राज और महाराष्ट्र की अमरावती में मिड डे मील वर्कर बबीता तांडे 1 करोड़ रुपए इस शो से जीत चुकी हैं। वेल, आपको बता दें, आपने देखा ही होगा कि 3,20,000 के ऊपर ही की राशि जीतने पर अमिताभ बच्चन चेक साइन करके देते हैं। दरअसल में वो चेक असली नहीं बल्कि नकली होता है। अक्सर प्रतियोगी चेक हाथ में लेकर कहते हैं कि वो इसे संभाल कर रखेंगे। असलियत ये है कि प्रतियोगी से ये चेक वापस ले लिया जाता है। शो की प्रोडक्शन टीम इसे वापस लेकर खत्म कर देती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि चेक के अलावा बिग बी प्रतियोगी के खाते में अपने मोबाइल से रकम ट्रांसफर करते हैं। असल में ये सब नकली होता है। जी हाँ, ये प्रक्रिया किसी बैंक के प्रमोशन के लिए की जाती है। प्रतियोगी के खाते में कभी भी पूरी रकम ट्रांसफर नहीं होती। जीती हुई रकम का 40% टैक्स के रूप में कट जाता है। कटने के बाद जो रकम बचती है वो खाते में जाती है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को लेकर भी एक खास जानकारी सामने आई है। जब बिग बी सेट पर पहुंचते हैं तो उनसे पहले उन्हें उनके कैबिन में ले जाया जाता है। यहां उन्हें प्रतियोगी के बारे में जानकारी दी जाती है। शो में हॉट सीट पर पहुंच चुके लोगों को भी रोक लिया जाता है। इन लोगों को तब तक कहीं नहीं जाने दिया जाता है जब तक शो खत्म ना हो जाए। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।